नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ साक्षी दीवान। उत्तराखंड मेडिकल एसोसिएशन मुरादाबाद इकाई के बैनर तले दवा व्यापारियों ने जीवन रक्षक दवाइयों पर लगे 10.7% बढ़ाने के आदेश को लेकर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। साथ ही 8 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को भेजा। उत्तर प्रदेश मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन मुरादाबाद इकाई के द्वारा जीवन रक्षक दवाओं पर 10% बढ़ोतरी का विरोध किया गया। इस फैसले को रद्द कराने के लिए प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय चौधरी ने कहा कि नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन में शामिल 800 से ज्यादा जीवन रक्षक दवाओं का दाम 10% बढ़ाने का आदेश दिया है। इससे दवाओं के दाम बेतहाशा बढ़ेंगे, जिससे कि आम जनता को दवा को खरीदने में कई तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। दवा प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए संजय नारंग ने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के बजट में 4,106 करोड़ रुपए की कटौती की गई है और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के लिए बजट 17% घटा दिया गया है। इससे कई स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थानों की फंडिंग प्रभावित होगी। कुल मिलाकर भारत सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र को पूरी तरह से मार्केट फोर्सेस के हवाले कर दिया है। ज्ञापन देने वालों में अजय चौधरी, विपिन कुमार राहुल पाल, ब्रजेश शुक्ला, मयंक विकास भारती आदि दवा व्यापारी मौजूद रहे।